नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बीजापुर जिला अस्पताल के मॉर्चरी में रखे शव को चूहों ने कतरा, चौंकिए मत। ये घटना शहर बीजापुर के जिला अस्पताल की है, जहां अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मॉर्चरी में रखे एक शव को रात भर चूहे कुतरते रहे। मामला नगर के व्यापारी दिलीप चांडक के परिवार से जुड़ा है। दिलीप के मुताबिक उनकी मां सरस्वती चांडक का कल निधन हो गया था। मंगलवार को अंतिम संस्कार के लिए बॉडी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाई गई थी। सुबह शव लेने जब परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो शव की हालत देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मोर्चरी का डीप फ्रीजर बंद मिला। इतना ही नहीं, चूहों द्वारा शरीर के कई अंग कुतरे मिले। घटना से चांडक परिवार बेहद आहत है और जिम्मेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है कि मोर्चरी में रखे शव को रात भर चूहे कुतरते रहे। शव को डीप फ्रीजर में रखने के बाद भी स्वास्थ्य प्रबंधन की इतनी बड़ी लापरवाही। पूर्व विधायक महेश गागड़ा ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि यह बड़ी लापरवाही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने अस्पताल का उद्घाटन किया था, उसके बाद भी सुविधा नहीं होने का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री उस अस्पताल में मर्चरी का उद्घाटन किए थे और हम लगातार आरोप लगाते रहेंगे। बीजापुर में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लचरता है और हर चीज़ में भ्रष्टाचार है, और जहाँ मुख्यमंत्री जैसे उसको लोकार्पण करने के बाद लाइट नहीं मिलना और एक सम्भ्रांत परिवार के साथ, चाहे किसी के साथ भी हो, वो कई घटनाओं से पहले भी हो चुका है। हम लोग उसको धरना माध्यम से भी और कई माध्यम से प्रशासन का अवगत कराया, लेकिन लगता है जब तक बड़ी घटना नहीं होती तब प्रशासन रखते नहीं है। अब कल बड़ा दुखद घटना हुआ, एक लाश के साथ जिस तरह से वहाँ पे एसी नहीं होने कारण और मर्चुरी काम नहीं कारण मर्चुरी के अंदर चूहा घुस गए थे और जिस तरह से वहाँ पे कुर्दा गया है, बहुत ही निंदनीय है और किसी भी परिवार के लिए बड़ा दुख की घड़ी में इससे बड़ा और दुख और शोक क्या हो सकता है। हम सब समझ सकते हैं, जितना कड़ी निंदा की जाए कम है। और मुख्यमंत्री चाहिए कि जब खुद आप उद्घाटन किए बड़ी बात करते हो, तत्काल इस पर कलेक्टर से सब पे कार्रवाई करना चाहिए। देखिए उसमें काम कर रहे नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जब उद्घाटन कर रहे हैं तो कलेक्टर को जिम्मेदारी बनती है। वी टाइम न्यूज के लिए बीजापुर से पास की ठाकुर की रिपोर्ट।